गुड ओके आई लाइक द प्रीवियस वन वन कहानी बट इट्स स्टिल गुड इट्स अ गुड मूवी आई थिंक फोर वुड बी फाइव हाँ सही है हाँ सही है लेकिन आई थिंक कहानी से ज़्यादा बेटर था जो फर्स्ट पार्ट था हाँ हाँ उसमें जो ट्विस्ट था वो ज़्यादा अच्छा था इससे थ्री फर्स्ट पार्ट वॉज मच बेटर ए टू स्टार मूवी आई थिंक विद्या बालन इज गुड शी इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग बट अर्जुन रामपाल बहुत वीक है और डायरेक्शन भी मतलब फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ड्रैग कर दिया खींच दिया है इस स्टोरी के हिसाब से मतलब बिलो एवरेज टू स्टार मूवी है टू स्टार थैंक यू बिल्कुल भी जैसे कि पहले कहानी वन ज़्यादा अच्छी थी कहानी टू के अकॉर्डिंग और विद्या बालन और अर्जुन रामपाल की परफॉर्मेंस इक्वली थी कहानी वन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें सस्पेंस मतलब पता चल रहा था कि हाँ कि अर्जुन रामपाल हेल्प है जैसे कहानी वन में देखी स्टार्ट टू एंड में जाकर के चीज़ें खुल दी कि हाँ क्या था तो वो ज़्यादा अच्छी लगी सॉन्ग तो खैर ये नहीं इसमें तो खैर स्टोरी वाइज ठीक है ठीक लगी ठीक लगी ज़्यादा अच्छा रोल किसका था विद्या बालन का था कि अर्जुन रामपाल का था विद्या की कहानी है ना ओके तो कहानी वन से अच्छी है ये स्टोरी बिल्कुल नहीं ऐसी कुछ भी नहीं कहानी उस उम्मीद पे खरी नहीं उतरती नहीं उतरती है तो आउट ऑफ 5 कितना स्टार्स देना चाहोगे 2.5 थैंक यू सो मच कहानी बहुत अच्छी सस्पेंस है और पार्ट 1 से काफी डिफरेंट है तो जैसे परफॉर्मेंस वाइज पार्ट वन में जैसे पार्ट टू का से परफॉर्मेंस अच्छा है और आई विश कि डिफरेंस आपको अच्छी लगेगी और जैसे भी ये सब चल रहा है ताम झाम उससे हट के थोड़ा पब्लिक एंजॉय करेगी इसको और जो टेंशन है भुला देगी जो हमेशा इंडस्ट्री यही चाह रही है कि कुछ समथिंग डिफरेंट हो जाए तो ऐसी का फिल्म काफ़ी डिफरेंट है Both are in different characters, so focus is on Vidya Balan, but Arjun Rampal also supporting me काफी अच्छा role play कर रहे हैं. 3.5 star.